हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम नगर परिषद जिला गोपालगंज बिहार दिखाने वाले हैं। अभी हम उत्तर प्रदेश के तरफ से आ रहे हैं और बंजारी चौक पे पहुंच चुके हैं। पुल के नीचे से पार करेंगे और यहां पे नगर परिषद गोपालगंज का बोर्ड दिखेगा। इस बोर्ड के नीचे से आप लोग मार्केट में जा सकते हैं। हाईवे से भी जाएंगे, थोड़ा आगे जाकर हजियापुर मोड़ पड़ेगा, वहाँ से कट के आप मार्केट के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए श्री लेदर्स का शोरूम भी यहाँ पे खुल चुका है, जो कि यहाँ पे पहले नहीं था। SBI बैंक 2-3 है यहाँ पे, पेट्रोल पंप भी बहुत सारे हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं बंजारी मोड़ से पोस्ट ऑफिस चौक की तरफ। और आप लोग गोपालगंज घूमना चाहते हैं, गोपालगंज में आने के लिए सोच रहे हैं, आना चाहते हैं, तो आप लोग अगर उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं तो NH 28 पकड़े हुए सीधा आप लोग तमकुही राज से 37 किलोमीटर दूर गोपालगंज मार्केट में आ सकते हैं। अगर आप सिवान से आ रहे हैं तो 32 किलोमीटर गोपालगंज मार्केट पड़ता है। और बात करते हैं गोपालगंज के कुछ फेमस जगह के बारे में। तो दोस्तों, गोपालगंज जिला में गोपालगंज मार्केट से मात्र 6 किलोमीटर दूरी पे यहाँ पे थावे माता रानी का मंदिर है, जहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग माता रानी का दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी हम लोग पोस्ट ऑफिस चौक पे आ चुके हैं और यहाँ से चलेंगे मोनिया चौक के तरफ। और यहाँ से थोड़ा ही दूर पे मोनिया चौक है। अगर आप लोगों को कचहरी में, कार्यालय में कोई काम है तो यही रोड आप लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा दूर आगे आप लोगों को कचहरी और कार्यालय मिल जाएगा। देख सकते हैं ये कार्यालय है, और यहाँ पे कोई भी अगर काम, सरकारी काम है तो आप लोग यहाँ से आके करा सकते हैं। थोड़ा दूर और आगे चलेंगे तो आप लोगों को कचहरी मिल जाएगा। देख सकते हैं कचहरी का पहला गेट है, आगे से जाएंगे तो एक गेट और है। यहाँ पे आप लोग जमीन से संबंधित चीज़ करा सकते हैं, जमीन लिखवाना हो, बेचना हो, खरीदना हो, कोई भी काम हो यहाँ पे करा सकते हैं। अभी हम मोनिया चौक पे आ चुके हैं, यही है मोनिया चौक। और जिधर से ये गाड़ी आ रही है, ये रोड सीधे जादोपुर चौक चला जाएगा, ये वाला रोड सीधे मार्केट में चला जाएगा, और ये जो रोड अभी हम लोग चल रहे हैं ये रोड थाने की तरफ चला जाएगा। तो चलिए थाने की तरफ चलते हैं। और गोपालगंज की बात किया जाए तो गोपालगंज का नाम हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। आप लोगों को बता दें, पूरे बिहार में सबसे बड़ा दुर्गा पूजा पंडाल यहीं पर बनता है, जिसका नाम है राजा दल पूजा पंडाल। जी दोस्तों, आप लोग को बता दें कि कोलकाता के बाद यहाँ पे गोपालगंज बिहार में ही सबसे बड़ा दुर्गा पूजा पंडाल बनता है। और एक नहीं, दो नहीं, यहाँ पे लगभग 10 पूजा पंडाल बनता है, जो एक से बढ़ के एक पूजा पंडाल रहता है, जो कि काफ़ी दूर दूर से लोग जो है पूजा पंडाल और माता रानी को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। अब हम चलेंगे फिर से मोनिया चौक पे, और चौक पे फिर से हम लोग आ चुके हैं। और देख सकते हैं ये जो रोड जाता है ये मार्केट के अंदर जाएगा। अभी चलते हैं हम लोग मार्केट के अंदर। और इस रोड में, इस मार्केट के अंदर आप लोगों को बता दें कि कपड़े से लेकर हर चीज़ की दुकान आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर कुछ भी खरीदने के लिए सोच रहे हैं, अगर गोपालगंज आने के लिए सोच रहे हैं और मार्केटिंग करना है, तो इस रोड में आप लोग ज़रूर आए। देखिए फुटपाथ पे यहाँ पे बहुत सारे जूता, चप्पल, सैंडल का दुकान है, जो कि काफ़ी सस्ते दामों में यहाँ से मिल जाता है। और थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो दूल्हे को सजाने के लिए माला और उनके गाड़ी को सजाने के लिए सारा सामान इस दुकान में मिल जाता है। अक्सर आप लोग को जो दूल्हे को पैसे वाला माला पहनाना है, बहुत सारा दुकान है जो कि आप लोग कभी भी आकर यहाँ से खरीद सकते हैं। अंदर कपड़े से लेकर हर चीज़ की दुकान है, कुछ भी खरीदना हो आकर इस गली में, इस मार्केट में खरीद सकते हैं। अभी हम लोग मार्केट के अंदर अंदर ही चलेंगे अम्बेडकर चौक पे, और वहाँ से चलेंगे स्टेशन वाला रोड, जहाँ पे राजा दल पूजा पंडाल बनता है। जी दोस्तों, कभी भी अगर आप लोग राजा दल पूजा पंडाल में आए होंगे तो वो रोड भी आप लोग को ज़रूर दिखा दें, क्योंकि अगर आने के लिए सोच रहे हैं, अगर कभी आने हो तो आसानी से आ जाएं। अगर राजा दल पूजा पंडाल में कभी भी आना हो तो आप लोग अम्बेडकर चौक पे आए। अम्बेडकर चौक से मात्र 500 मीटर स्टेशन रोड में जाएंगे तो आप लोग को राजा दल पूजा पंडाल
मिल जाएगा। मैं राजा दल पूजा पंडाल की बात बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी हमारे यहाँ गोपालगंज में दशहरा का मेला लगता है तो काफ़ी भाई और दोस्त का कमेंट यही रहता है कि राजा दल पूजा पंडाल का रास्ता बताएं, हमें आना है, क्योंकि पूजा पंडाल को देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, इसलिए उन लोगों को रास्ता की मालूम नहीं रहता है। तो अभी देखिए थोड़े देर में हम लोग अम्बेडकर चौक पहुँचेंगे, वहाँ से चलेंगे स्टेशन वाला रोड, और इस रोड में काफ़ी दुकान है, काफ़ी मार्केट है, आप लोग को कुछ भी खरीदना हो तो आसानी से आके यहाँ पे खरीद सकते हैं। मेन मार्केट है गोपालगंज का, इसमें बहुत सारे मार्केट हैं, बहुत सारे गली में भी मार्केट है, बहुत सारे दुकान ऐसे हैं जो अभी हम वीडियो में कवर नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो में एक एक चीज़ कवर करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए अभी हम लोग उस मोड़ चलेंगे, दोस्त मोड़ से सीधे हम लोग अम्बेडकर चौक चलेंगे, अम्बेडकर चौक से फिर से हम लोग चलेंगे स्टेशन रोड में। देखिए हम लोग अभी पोस्ट ऑफिस चौक से आ चुके हैं फिर से, और यहाँ से फिर आप लोग को ले कर चलेंगे अम्बेडकर चौक पे, जो कि अभी हम लोग पोस्ट ऑफिस से पहले हम लोग कचहरी वाला रोड मोनिया चौक के तरफ चले गए थे, इसलिए फिर से हम दोबारा यहाँ पे पोस्ट ऑफिस चौक पे आए हैं और यहाँ से ले कर चल रहे हैं अम्बेडकर चौक के तरफ। और ये मंदिर जो देख रहे हैं गोपालगंज का शिव मंदिर है, जो मार्केट के अंदर ही है, और यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आप लोग को शनि मंदिर मिल जाएगा। देख सकते हैं ये जो सामने आप देख रहे हैं ये शनि मंदिर है, और शनि मंदिर के बगल से ही एक रास्ता, एक गली गया है जो मार्केट के अंदर चला जाएगा। और आप लोग मॉल से कपड़ा खरीदने के लिए सोच रहे हैं, चाहे मॉल से कोई भी सामान खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो इस रोड में सारे मॉल हैं, उस सभी मॉलों को दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए गोपालगंज जंगलिया मोड़ पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो देखिए स्टाइल बाज़ार आप लोग को देखने को मिलेगा, बगल में एक मॉल और है, इससे आगे और भी मॉल है, बहुत सारे मॉल इस रोड में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जब भी अगर आप लोग मॉल से कपड़ा खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो इस रोड में आ जाए, बहुत सारे मॉल है, बहुत सारा मार्केट भी इधर है, तो जिससे आप लोग को खरीदना हो उसे खरीद सकते हैं। अभी देखिए हम लोग आ चुके हैं अम्बेडकर चौक गोपालगंज में। अम्बेडकर चौक पे जब भी आप लोग आएंगे, यहाँ से कुल तीन रोड गया है, एक रोड बंजारी मोड़ के तरफ गया है, दूसरा रोड घोष मोड़ के तरफ गया, और तीसरा रोड देखिए बस स्टैंड के तरफ आया हुआ है, जो अभी आप लोग गोपालगंज का बस स्टैंड देख रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश बिहार में कहीं भी सफ़र करना है तो यहाँ से आसानी से बस मिल जाता है, यहाँ से आप लोग बस का सफ़र करके कहीं भी जा सकते हैं। अगर गोपालगंज बस स्टैंड आने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले अम्बेडकर चौक आएँ, अम्बेडकर चौक से मात्र थोड़ा सा दूरी पे गोपालगंज बस स्टैंड है, जो आप पैदल भी जा सकते हैं। अभी देखिए हम लोग चल रहे हैं धोस मोड़ के, और आप लोग को बता दें धोस मोड़ वही है जो पटना का महावीर मंदिर दुर्गा पूजा पंडाल में बना हुआ था। अभी देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं गोपालगंज का सदर हॉस्पिटल, यही है दोस्तों गोपालगंज का सदर हॉस्पिटल, और सदर हॉस्पिटल का लोकेशन बता दें तो अम्बेडकर चौक के पास ही है, वहां से मात्र 10 कदम अगर आप लोग पूरब के साइड आएंगे तो आप लोग को सदर हॉस्पिटल मिल जाएगा। ये जो रोड देख रहे हैं ये स्टेशन रोड है, और इसी में राजा दल पूजा पंडाल बनता है, और इस रोड में लेडीज़ कपड़ा का दुकान काफ़ी देखने को मिलेगा, और काफ़ी सस्ता भी मिल जाता है, जैसे परचून का भी सामान अगर खरीदने के लिए सोच रहे हैं खरीदना है तो इस रोड में आ सकते हैं, और कपड़े के दुकान तो बहुत सारा है और बहुत सस्ता भी मिलता है, अगर सस्ता कपड़ा खरीदना है तो इस रोड में आप लोग आ सकते हैं। और इस रोड में जब भी अम्बेडकर चौक पे आएंगे आप लोग, तो अम्बेडकर चौक से धोस मोड़ के तरफ जब भी आप लोग आएंगे, इस रोड में बहुत सारे कपड़ा की दुकान है, बहुत सारे परचून की दुकान है, जो काफ़ी सस्ता सामान मिल जाता है, काफ़ी सस्ता कपड़े मिल जाते हैं। और आप लोग गोपालगंज की बाहर से आ रहे हैं, जैसे गोपालगंज घूमना हो, गोपालगंज दुर्गा पूजा मेला देखना हो, गोपालगंज थाना मंदिर का दर्शन करना हो, और गोपालगंज में रुकना हो, तो बहुत सारा होटल भी है, जैसे होटल रालसोन भी है, बहुत सस्ता सस्ता होटल है, तो यहाँ पर आके रूम बुक करके आप लोग आराम से रह सकते हैं। अभी जो हम लोग रोड जा रहे हैं ये स्टेशन रोड है, और इसी रोड में राजा दल पूजा पंडाल बनता है, जो कि अम्बेडकर चौक से लगभग 500 मीटर की दूरी पर बनता है।
तो दोस्तों अभी आप लोगों को गोपालगंज मार्केट दिखाए हैं, मार्केट आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश किए हैं दिखाने के लिए। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।